हम लोग पहुंच चुके हैं जलपाईगुड़ी में और हमारी ट्रेन अभी जा भी रही है। बूम नानी के साथ बूम बूम कर रही है। मामा के पहाड़ी मैगी के साथ एकदम स्वागत हो चुका है हम लोग। Hey guys, तो अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रेन में और ब्लॉग की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। उसके पीछे का रीजन क्या है बता दो जरा। इतनी तेज बारिश क्या ही बताए। ऐसा लग रहा था जैसे बाप रे बाप पूरा मतलब मानसून आज ही है। और पता है गाइस मतलब हमें लग रहा था कि शायद कहीं कैब भी ना है और इतना जल्दी 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 हम लोग निकले हैं, बट फाइनली सही समय पे पहुंच चुके हम लोग इधर। मुंटी कुमारी उर्फ मनीषा, माता जी इधर, पिताजी, सभी लोग विराजमान हैं और हमारी बिटिया रानी को देखिए तितलू। तो तितली का ये सबसे मेमोरेबल ट्रिप है क्योंकि नाना नानी के साथ है एक यादगार पल जो बहुत ही मतलब जब ये बड़ी हो जाएगी तब देखेंगे क्या कि नाना नानी के साथ हम कहते हैं फर्स्ट ट्रिप है ना तितली। नाना का है नाना तो तितली के नानी का है नानी। अरे वाह तो मौसी का है मौसी। अरे पापा का है पापा कहाँ है पापा। ले भाई ये मुझे बताते नहीं है पापा। मामा का है मम्मी मम्मी। वाह तो देखो हमारी तितली को तो गाइस बहुत मुंटी सब बूम नानी के साथ बूम बूम कर रही है। मामा के साथ भी बूम बूम करके आई है अभी अपने। तो यहाँ से हमारे सफर की शुरुआत होती है और बहुत क्योंकि आपको पता है कि विगत कुछ दिन पहले कोलकाता में जो प्रॉब्लम्स हुई थी मतलब क्या ही बार बार चीजों को एक्सप्लेन करें, खुद भी गुस्सा आता है। बट उसके कारण बहुत ज़्यादा कहीं कहीं प्रोटेस्ट हो रहा था तो जाम भी ज़्यादा लग रहा था। बट इतनी तेज़ बारिश थी और बारिश के कारण ही हम लोग सही समय पर 1 घंटा लगा लगभग और 1 घंटा 10-15 मिनट लगा हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन। और ये सुबह 8 बजे पहुँचाएगी हमारी ट्रेन हमें न्यू जलपाईगुड़ी है ना जी एनजीपी। तो पहली बार हम एनजीपी जाएंगे। पापा जी बहुत बार गए हाँ न्यू जलपाईगुड़ी नहीं उतरते तो बस से मैं सिलीगुड़ी जाता हूँ। न्यू जलपाईगुड़ी का ही शॉर्ट नेम है एनजेपी। एनजेपी मुंडी तुम कभी गई हो कि नहीं? तो मुंडी का भी पहला ट्रिप होगा फर्स्ट ट्रिप होगा। मेरा भी फर्स्ट ट्रिप है। आपका पहला ट्रिप? अरे वाह पापा तो 20 टाइम्स से ऊपर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी अभी तो पापा जी 5 साल में 7 साल में बहुत कुछ बदल गया होगा क्या? लास्ट 2007 में गए। 2007 में गए हैं यानी 7 साल पहले। 17 साल भाई साहब मैं 14 ही समझ रहा भाई 24 चल रहा नहीं जाना उधर उधर। तो अभी समझ लो कि जब 14 साल हो गए तो हम 2017 में तुम गई हो 18-19-20-21-22 समझ लो कि सब कोई पहली बार ही जा रहा है। अब ये तो अब हो गया हमारे लिए 17 साल में बहुत सारी चीजें बदल गई होंगी 14 साल में। तितली इसको यही काम करना है कि मम्मी का चप्पल कोई लेके नहीं जाए बटोर लीजिए। 47 शुरू हो चुका है इसका यहाँ पर भी। तो अभी एक एक करके ये आज मम्मी को अपना उठक बैठक कराती रहेगी ट्रेन में। लेकिन शुक्र माने कि रात का ट्रेन है इसलिए थोड़ी देर में सो भी जाएगी। जा मम्मा चली गई। गुड मॉर्निंग न्यू जलपाईगुड़ी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जलपाईगुड़ी में और हमारी ट्रेन अभी जा भी रही है। अभी इधर मनीषा उधर पीछे ब्रश कर रही है भाई। सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना पड़ा हम लोग को क्योंकि हमारी ट्रेन लग चुकी थी और हम लोग मस्त सोए हुए थे। तो मैंने उठाया जल्दी नहीं उठो भाई प्लेटफॉर्म पे खड़ी लेकिन 10 मिनट यहाँ पे रुकती है तो सही सलामत हम लोग उतर गए नहीं तो फिर दिक्कत ही होता क्या। ब्रश भी कर लिया उतर भी गए। हाँ उतर भी गए ब्रश भी। बाकी मौसम तो यहीं से एकदम सुहाना सुहाना सा लग रहा है एकदम। हमारी बिटिया को देखिए ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है खूब खेल रही है तितली सुबह सुबह। तितली बुबू वाह भाग जा इधर आ जाओ इधर आ जाओ। इतना सारा देरी आ गया। चलो चलो जल्दी चलो नानी के पास चलो नानी के पास। उधर मम्मी पापा जी हैं लोग सभी लोग। तो अब यहाँ से हमारा सफर होगा शुरू। बहुत ज़्यादा है एक्साइटेड क्या जी एक्साइटमेंट है अंदर से बस। कल तो पूरा रास्ते में मतलब ट्रैवल मालदा तक जगे हुए थे वहाँ तक मालदा तक जगे हुए थे मालदा तक। ये लड़की 3 बजे सुबह ही हमें परेशान करना शुरू कर दी थी उठ गई थी 3 बजे सुबह
और एक घंटा मुझे परेशान किया, एक घंटा एकदम। और मम्मी पापा जी इधर, इधर आ जा, इधर आ, चलो इधर आ बेटा इधर। तो अब बारी है हम यहाँ से निकलने की, ये हमारा सब लगेज हो गया। तो इस रेलवे स्टेशन की खास बात पता क्या है, इतने ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी है, देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ फौजी जवान ही नज़र आ रहा है। जैसे जैसे आगे चलूँगा मैं आपको दिख जाएगा, तो अच्छा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बेस कैंप में ही घुस गए हो, स्टेशन नहीं बेस कैंप हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ऐसा भी नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए ये देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं बता ही रहा था। ओ भाई साहब पूरा ये बेस कैंप जैसा फीलिंग आ रहा है। और अभी यहाँ से हमें जाना होगा पार्किंग में। इसका तो कोई जरूरत नहीं है। फाइनली यहाँ पे रोहित भाई मिल गए, और खास बात क्या है कि आप जब भी इधर आते हो तो मैं इनका नंबर डाल दूंगा, आपको दे दूंगा, ये आपको आराम से इजिली पिकअप कर सकते हैं और बहुत ही चीप रेट में एकदम आपको लेके चले जाएंगे। मस्त इनके एकदम 4x4 देख सकते हैं इधर है लगी हुई, सभी लोग बैठ चुके हैं। चलो जी बैठो बैठो बैठो, और यहाँ से हमारा सफर शुरू होगा। बैठिए पापा जी। तो गाइस 20 किलोमीटर चलने के बाद हमें लग रहा है कि अब मौसम तो करवट बदल ही चुका है, और खूबसूरत वादियों में हम लोग अभी घुसने वाले हैं। और इतना अच्छा लग रहा है ना जो सीनरियो है पूरा देखने के लिए, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, मतलब दिल खुश हो गया कि भाई इसीलिए तो इंसान आता है। और गाइस पता है इस तरह का घर मुझे पहाड़ों में बहुत पसंद है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं पहाड़ों पे, पीछे आप लोग देख सकते हैं मस्त पहाड़ है। ओ भाई साहब मजा आ गया, मतलब वेदर ही चेंज हो गया है एकदम से न्यू जलपाईगुड़ी से उतर के। जैसे अभी हम लोग रोहिणी पहुँचोगे थोड़ा बहुत चाय नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तितली भी मेरी सोई हुई थी उसको भी उठा दिया हम लोगों ने, बाकी देखते हैं सबने क्या क्या ले लिया है। यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये देखो पापा जी सोच से एकदम ग्रीन टी वाइप पी रहे हैं। ग्रीन टी हो यस, इधर करो ग्रीन टी। तो गाइस अभी हम लोग रोहिणी के आगे हैं, इधर देखिए फोटोशूट भी चल रहा है, इधर फोटोशूट चल रहा है, देखो देखो यह व्यू है, यहाँ से तो मस्त व्यू है भाई वादियों का। क्लियर नहीं आ रहा क्योंकि फॉग फॉग ही है पूरा। कहाँ है हमारा ब्रेकफास्ट एकदम पूरी सब्जी पहाड़ों वाली पूरी है ना जी, लूची पहाड़ों वाली लूची मैगी। अच्छा नेट नहीं चल रहा है भाई, इसका स्ट्रिक्स नहीं भेजा जा रहा तो दिक्कत है क्या बेटा। अरे पूरी कर रहे तितली भी, तो यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे सभी लोग। बट जो व्यू है ना क्या ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, सच बताऊँ तो वाह एकदम फॉग मतलब पूरा है, बहुत ज़्यादा बादल एकदम नीचे है समझ लो आप। तितली इधर नाना के साथ अपने बैठी हुई है, सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आज पहाड़ी मैगी के साथ एकदम स्वागत हो चुका है हम लोगों का दार्जिलिंग की तरफ। मौसम देख सकते कितना मस्त है, गप गप खाए जा रहे हैं सबके सब है, इडली भी इधर मस्त ब्रेकफास्ट कर रही है, इसका खाना मैंने इधर बना लिया है और ये भी खा लिया। तो गाइस चढ़ते चढ़ते हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत ऊपर, और क्या खूबसूरत नज़ारा है यार क्या ही बताऊं, कैमरे से ज़्यादा खूबसूरत तो आंखों से लग रहा है, कैमरा तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं है। वाओ मेरे पीछे देख सकते हो क्या खूबसूरत पहाड़ी वादियां हैं ये, बाकी अभी और भी खूबसूरत नज़ारा है। और कहते ही हैं कि जब ऐसे रास्तों में आओ ना तो भैया सफ़र का आनंद तो जो होता है ना वो क्या ही बताया जाए आपको, बाकी बहुत मज़ा आ रहा है सच बताओ तो लिटरली। और अब मिलेंगे आपसे एक अगले फ्रेश ब्लॉग में, इस ब्लॉग को यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि अभी हम लोग ऊपर करशंग भी जाएंगे, इसके बाद करशंग भी जाएंगे मेरे भी, तो वहाँ से ही करेंगे ब्लॉग की शुरुआत। और इस ब्लॉग में यही रोहिणी के थोड़ा हम लोग आसपास थे, देख सकते हो आप क्या जबरदस्त लग रही है, वाह बहुत खूबसूरत लग रहा है ना।